भोलेनाथ। कहाँ के हो भोलेनाथ? माइक ले लो प्रभु। चालू ही है वो? चालू है। हाँ, यहाँ तो सब कुछ चालू ही है। बंद तो विरोधियों की दुकान है, बंद तो सनातन के विरोधी है, यहाँ तो सब कुछ चालू है। और जो नहीं है उन्हें चालू करने आए। तो कहाँ रहते हो आप? जामनगर। जामनगर यहीं कहीं है? पास में ही है। कितना पास? सातवीं सेवन तक। हम समझ गए हैं, इन्होंने पढ़ाई बता दी है। आप लोग कहते कि गुजरात के लोगों को पागल क्यों कहते हो? बहुत बड़ी चिरांद है ये। जामनगर कितना दूर है? 90 किलोमीटर। इतना पास है? पास में ही है। अब समझ गए तुम, पकड़ गए। आओ नजदीक। राम राम। गुरु जी थोड़ा ऐसे बैठो, वहां देखो बालाजी को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय। बोलो क्या पूछ? पूछो। हाँ माइक भी बंद कर सकते, कोई दिक्कत ये भाई माइक बंद कर दो। ओ प्रभु, ये वाला माइक बंद कर दो जो नीचे वाला है, जामनगर वाला। हेलो हेलो, देख बात कर। आ रहे हैं यार? हेलो, नहीं आ रही ना? पूछ। कब? शुक्ला है? शुक्ल गर्ग हो ना? कौन से गर्ग? शुक्ल वाले गर्ग? गर्गाचार्य वंशज। हम भी गर्ग हैं लेकिन हम शुक्ल ब्राह्मण। ठीक है। और ये पिताजी का विषय जो लिखा, पिताजी पर पूछो आप। कब की बात?
और आज भी वो मानती हैं कि जीवित हैं और वो कहीं हैं, चूंकि वो साधु वाली फक्कड़ वाली बातें कभी कभी करने लगते थे और बीच बीच में वो, तो आपके पिताजी हमारे पर्चे अनुसार भी जिंदा हैं। बस 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 खुश रहो। और ये घटना इसी राजकोट के बस स्टैंड की सन 2009 की, और आप बहुत छोटे छोटे थे, आपकी माँ ने स्ट्रगल बहुत किया, लोगों ने ताने बहुत सुनाए, वर्तमान में आप पर लोग हंसने लगते हैं, वह आपका तमाशा बनाते हैं, और आप जो है हमेशा सनातन आश्रम साधना की बातें करते हो, साधना की मनोकामना लेकर आप हमारे पास आए। वो हम बताते कैसे होगा, हमें समय दीजिए ना। आप किसका आश्रम बनाना चाहते हैं? दादा हनुमान का, रघुनाथ जी का, भगवान शंकर का, मूल शंकर की स्थापना करना चाहते हैं। हमने कहा कि जब हम गलत बोल जाएं तो तुम माइक चालू करवा देना, लेकिन तुम्हारी क्षमता नहीं। अब हम एक बात पर और चलेंगे। हनुमान, आपको आश्रम के निर्माण के लिए दाता भी मिलेगा, और इस काम के लिए शुरुआत हम करेंगे। योगी कहाँ है? योगी जी कहाँ है? किशोर कहाँ है? कोई बात, निकालो जेब से रुपया। तुम्हें मोटा भाई छे, खड़ा हो जाओ, ये मोटा भाई बीच में बैठो। हाँ, निकालो जेब से जितना रुपया लाओ हमारे पास, आज हमको दक्षिणा की आवश्यकता है। ये रखो तुम अपने पास खर्चा के लिए, लाओ जल्दी से। पहुंचाओ हमारे पास। माँ तुम भी अपना बैग खाली करो, निकालो कुछ। VIP में से टी शर्ट सफेद पहने बैठे, जेब खाली करो, खड़े हो जाओ। हाँ, जेब खाली करो। कोई नहीं बाबा, कोई नहीं बाबा, और जेब खाली करो। हाँ, टी शर्ट भाई, टी शर्ट, जी जी, जेब खाली करो, जितना है लाओ। यहाँ बैठने की हम फीस ले रहे हैं सबके सामने। पूर्व मुख्यमंत्री जी चले गए, हमारी नजर बहुत तेज है भाई साहब, बहुत तेज। चलो तमी उठो, निकालो, जेब खाली करो। हाँ, जेब खाली करो, करो, खाली करो, तुम भी करो। हाँ करो, यस, लाओ दीपक, तुम भी कुछ लाओ, हमारे चेलों के भी लगने दो। दो दो हजार भर के, दो दो हजार के बंद हो गए, लेकिन चलते हैं। ठीक, और है कोई? लाओ लाओ नोट। लाओ,
थोड़ा जल्दी लाओ। पत्रकारों में से भी दो। जी सर लाओ, लाइए पत्रकार महोदय, लाइए दीजिए। एक रुपए का नोट चलेगा, पत्रकारों की खास कर ले। तो बाबा मकरध्वज की पूजा आप करते हो, क्या साधना है? प्रसाद क्या लगा? कहाँ है? भेजो हमको, दे दो। लाओ पत्रकारों के आगे। लाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने दिया भगवान करे उनकी झोली भरे। लाओ हला, बस लाओ, लाइए। रोते नहीं है, रोते नहीं है, ये हमारी करुणा नहीं है, ये तो बाबा बाबा की आज्ञा है। ये लीजिए, वाह बहुत करुणा, चलो करो आप। ठीक है, चलो तुम लोग, चलो तुम लोग, चलो बस, चलो। रोते नहीं, भगवान भगवान रोते नहीं। ये आप थौलिया कर लो। सीताराम, इतने में तुम्हारा न्यू वाला काम तो ही जाएगा। सीताराम, लो बाबा ये पोटली संभालो, जाके आपको जमीन मिल चुकी है। अब इनका माइक चालू कर दो, ये वाला माइक ले लो। आपको जमीन मिल चुकी है सरपंच से, ठीक है? जाके उसी जमीन पर आप ये मंदिर का कार्य प्रारंभ करो, शेष काम आपका फिर होगा। आशीर्वाद। जिन्होंने दिया है और लाओ, बस अब बहुत हो गया है, इतने में ही जय जय हो गई। देखो जय जय, ठीक उठा लो इसको, धन्यवाद दे दो। जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, धीरेन्द्र शास्त्री गुरु महाराज की जय। नहीं बालाजी की, हमारी प्रार्थना है गलत जगह उपयोग मत करना, और सबको जरूर बताना, और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब काम शुरू हो इसी रुपयों से, आप अपनी निजी जिंदगी में एक रुपया खर्च मत करना। नहीं नहीं, कोई भी, ये मंदिर के लिए है पूरा। जाओ, तुम्हारा मंदिर का और सनातन का कार्य पूर्ण हो पाए। जाओ तुम्हें, उठ जाओ, चलो उठ जाओ। ये मंत्र विधि पंडित जी आपको बता दें, ये उठाओ आप अपनी पोटली। सीताराम, पोटली आपकी, बस बस, प्रणाम प्रणाम, बस बस बस, चलो। इसके बाद दरबार नंबर आगे, माइक लो। बोल श्री बागेश्वर महाराज की, हनुमान जी महाराज की, जलाराम बापा ने। कहां से आए? माइक ले लो ना, माइक से। हाँ, मैंने परिचय तो माइक से बता सकते हैं, बिना माइक के बाकी आप बात भी बोल सकते हैं। जूनागढ़ से। जूनागढ़ में? हाँ। बहुत अच्छा, माइक नीचे रख लो, बोलो क्या बात। जी
लंदन हमारा वाईफाई बहुत तेज है या और कोई नहीं भाई पूरा घर का भार आप पे हमने ऐसा लिखा बहुत हैरान घर का भार है माँ सरस्वती की कृपा रहे विदेश में लंदन जाना चाहती हैं उसकी अर्जी लेकर आई हैं विदेश यात्रा संभव है होगी आशीर्वाद खुश रहो जो अच्छा तुम तो उतना भरोसा नहीं करते थे लेकिन आपने किया नहीं हम पे भरोसा डांटना चाहिए बिल्कुल और आपका लंदन का योग 100% है आप 100% नाम रोशन करेंगे और छोटी बहन की भी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी आप पूर्ण निभाएंगे स्ट्रेस बीच बीच में विचलितता इससे आप ग्रसित हैं अभी वर्तमान में उससे भी बाहर निकल आएंगे हाँ बहुत जल्दी हाँ लगभग आप ही और जाओ आप भी पहुंच रहे हैं खुश रहो बस 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 चलो बहना सीताराम यहाँ से बहना